रीवा में एक बस हादसा हो गया जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और 28 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। पता जा रहा है कि बस प्रयागराज के लिए जा रही थी। रीवा के टिकरू नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार बस गिट्टी से भरे ट्रक में जाकर भिड़ गई। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, वहीं 28 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की खबर लगते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से घायल यात्रियों को निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बताया जा रहा है कि लगभग 30 यात्रियों से भरी बस प्रयागराज के लिए जा रही थी। इसी दौरान बस के सामने वाला ट्रक अचानक रुक गया, जिस वजह से तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर ट्रक से जाकर भिड़ गई, जिसमें ड्राइवर सहित एक 25 साल के युवा की मौत हो गई। SP नवनीत भसीन ने बताया कि जिन लोगों को मामूली चोट आई थी, उन्हें व्यवस्था कर बस से प्रयागराज UP घर के लिए भेजा गया है। शहडोल से प्रयागराज जा रही थी, आज सुबह 3:30 एक्सीडेंट हो गया। बस का ट्रक से टकरा हो गया, जिसमें चालक मौके पे ही गिरफ्तार कर लिया और एक यात्री भी घटनास्थल पर मृत्यु। लगभग 25 लोग इस दुर्घटना से घायल हुए थे। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय और कलेक्टर महोदय घटनास्थल पहुँचे थे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल SGMS सभी को अलर्ट पोजिशन पर रखा गया था। डॉक्टरों की टीम और उनके एसोसिएट सभी उपस्थित थे। मैं स्वयं SGMS में अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ में डॉक्टरों की टीम में घटनास्थल से आए घायलों की उपचार व्यवस्था सुनिश्चित की गई। यहाँ पे 7 लोग लाए गए थे SGMS में, जिसमें 2 लोग गंभीर हैं, शेष लोगों का उपचार चल रहा है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।